भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव 6 अप्रैल 2020 सोमवार प्रस्तुति हठ योगी धैर्य मुनि जी महाराज। वर्तमान जन्मोत्सव एक आवश्यकता, वर्तमान का प्रकाशोत्सव, मानवता पर अराजकता का तांडव, उपद्रव, महामारियां और प्राकृतिक आपदाओं सहित हर पल मानव तथा मानवता के विनाश के बढ़ते नित्य नए कदम जीवन के अंदर और बाहर, चारों ओर पतन रूपी अंधेरे का फैलता घनत्व और संपूर्ण विश्व में इन्हीं सब के साथ हुआ फैलता विषैला वातावरण मनुष्यता को समाप्त करने के लिए आतुर खड़ा है। क्यों आवश्यक है? वर्तमान काल के साथ वर्तमान का पहिया भी तेजी से प्रवाहमान है, बिना गतिरोध के साथ हर समय द्विगुणित होकर बढ़ रहा है। पाप व अत्याचार, हिंसा व चोरी, झूठ व अनाचार बढ़ता ही जा रहा है। हिंसा का तांडव मां के गर्भ स्थल तक पहुंच गया है। पर्यावरण के चित्कारें हर गली कूचों में त्राही माम मचाए हुए हैं। तबाही का मंजर दिलों को दहला रहा है। पशुओं की बर्बर हिंसा से उपजा करुण क्रंदन मानवता को शर्मसार कर रही है। नारी पर बढ़ते अत्याचार एवं देव शोषण चरमोत्कर्ष की तरफ अग्रसर है। और अगर संपूर्ण वर्तमान पर विहंगम दृष्टि डालें तो यही लग रहा है कि मानवता व पशुता में समाप्त होते अंतर में मानवता ने पशुता को भी पीछे छोड़कर बड़ी तेजी से विश्व को अपने आगोश में लेने को तत्पर है। नारी पर नित बढ़ती हिंसात्मक व शोषणात्मक एवं भोगात्मक कहर कल कारखानों व धर्मांधता एवं आधुनिकता के नाम पर नदियों में घुलता जहर, देश में सांप्रदायिकता का फैलता दावानल एवं भोगवाद का कहर, फैलती प्लास्टिक थैलियां एवं मरते हुए पशुओं की संख्या में वृद्धि, धरती माँ पर पहाड़ों की अनाधुंध कटाई, खनिज खनन, वृक्षों का विनाश, ओजोन की तेजी से घटती परत, हिम का बढ़ता गलनांक, मौसम का होता असमय परिवर्तन, ध्वनि यंत्रों व पटाखों से प्रदूषित होता विषैला वातावरण, वाहनों से बढ़ता शोरगुल व जहरीला होता विषैला वातावरण, जहरीली होती खाद्य सामग्री, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, कोरोना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सूखा तथा अनेकों दिल दहला देने वाली हृदय विदारक प्राकृतिक आपदा रूपी कहर, भूख व महामारियों से बढ़ती मौतों की संख्या में वृद्धि, आतंक, अत्याचार, अनाचार, मिलावट, भ्रूण हत्या जैसे जघन्य मानवीय अपराधों की बढ़ती श्रृंखला, मानवीय मूल्यों में तेजी से हो रही गिरावट ही वर्तमान की अमावस्या जैसी भयावह काली रातों का स्पष्ट संकेत दे रही है। इन सब प्रसंगों पर एक दृष्टि डालें तो प्रकृति सामने प्रश्न सूचक स्थिति स्पष्ट है। आखिर क्यों? कारण
मन पर बढ़ती निरंकुशता, इंद्रियों का भोगों में अत्यधिक रमण व स्वस्वार्थ की बढ़ती भूख, साथी चरित्र दर्शन ज्ञान में गिरावट, क्या है वर्धमान? इंद्रियों को वश में करने का अदम्य साहस, मन व चित्त की निरंकुशता पर लगाम कसने का अद्भुत शौर्य, क्षमावान बनने की अनुपम पहल की आश्चर्यजनक प्रकाष्ठा, प्राणी मात्र तक की रक्षा की विवेकपूर्ण तथा साहसिक ओजस्विता, स्व से ऊपर उठने का साहसिक पराक्रमी तो वर्धमान है। अतः वर्तमान में वर्धमान की प्रासंगिकता आवश्यक हो गई है। जिस दिन यह विश्व वर्धमान को समझ लेगा, उसी दिन से वर्तमान परछाई कालिक नुमा स्या भयवक्ता रूपी अंधकार की अमावस्या की रोशनी का पुंज जगमगाने लगेगा एवं हमारा वर्तमान वर्धमान में विलीन होता हुआ उसे पूर्णिमा के प्रकाश में बदलकर मानवता के दीपक स्वतः ही प्रज्वलित होने लगेंगे। आवश्यकता है वर्तमान को वर्धमान में बदलने की। आए और हम महावीर जयंती के पावन अवसर पर संकल्प करें कि वर्धमान ही हमारा वर्तमान रहा है और रहेगा।